स्टार्ट करो बोलो। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। सीएम खट्टर हमें बताए 40 लाख कहाँ से लाए। सीएम खट्टर हमें बताए 40 लाख कहाँ से लाए। खट्टर तू कैसा है तेरे लिए सब पैसा है। खट्टर तू कैसा है तेरे लिए सब पैसा है। सारे मिलके शोर मचाओ 7 साल का बोर्ड हटाओ। सारे मिलके शोर मचाओ 7 साल का बोर्ड हटाओ। फिलहाल भी गोहाना में मौजूद हैं और जो बॉन्ड पॉलिसी है इसके प्रति बच्चे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे मार्च निकाल रहे हैं। और हमारे साथ ये सर कमेटी के जो मेंबर हैं जो, तो ये मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे आज क्या कुछ इनका प्रोटेस्ट रहेगा। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका मैं धर्मपाल मलिक सरोव कर्मचारी संघ का पदाधिकारी गोहाना से। सरकार ने जो इनके ऊपर बॉन्ड पॉलिसी लागू की है, हम सरोव कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से इसकी निंदा करते हैं। और सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो बिल्कुल झूठा है। गाय गंगा गीता की नकली बात करने वाले भाजपा के लोग, इनका चाल चरित्र सामने है। ये छोटी छोटी बेटियां हमारी लगातार 1 नवंबर से आंदोलन के ऊपर है। सरकार ने समय रहते हुए इनसे बातचीत करके इनका समाधान करना चाहिए, अन्यथा इस आंदोलन को सरोव कर्मचारी संघ अपने हाथों में लेगा, जिसमें रोडवेज को, बिजली को, पानी को, हम पूरे हरियाणा को ब्लैकआउट कर देंगे। अन्यथा समय रहते इनसे बातचीत करके इन बातों का समाधान करना चाहिए। आज आपका क्या हो रहा है? आज हम यहाँ अम्बेडकर चौक से होते हुए, समता चौक से होते हुए भगत सिंह चौक पे पहुंचेंगे। वहाँ इन बेटियों ने खून से चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति के नाम से, उसके बाद वापिस कैंडल वो मोमबत्तियों का उत्सर्जन मार्च करते हुए अम्बेडकर चौक पे इसको समापन करेंगे। अगर इसकी सुनवाई, जैसे अभी इन्होंने खून से पत्र लिखा है लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, जो सरोव कर्मचारी संघ हरियाणा, जिसमें 120 यूनियन है हमारी हरियाणा की, रोडवेज, नगर पालिका, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, तमाम लोग इनके समर्थन में आ जाएंगे और पूरे हरियाणा को ठप कर देंगे हम, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। अब तक मतलब कब कितना सफल रहा, किस किस से बात हो चुकी है आपकी? सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं पहुंचा है। विपक्ष के जो विधायक स्थानीय यहाँ दो, जगबीर सिंह मलिक व इंदुराज भालू बरोदा हल्का से, वो लोग पहुंचे हैं और खापो के प्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हम अपने संगठन की तरफ से धन्यवाद करते हैं। जी जी, कहीं ना कहीं जैसे बेटियों को सरकार ने पॉलिसी स्टार्ट की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये क्यों नहीं कहते सरकार की बेटियों को न्याय भी दिलाओ? न्याय क्या दिलाएंगे, बेटियों के साथ रोजाना छेड़छाड़ की, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उनके रोजगार के ऊपर हमला है, बहुत बुरा हाल है। पिछले 11 दिन नगर पालिका कर्मचारी आंदोलन में रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी नगर आंदोलन में रहा है। ये सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। MSP में जो कानून लागू किए थे उनको भी लागू नहीं करी सरकार, लगातार विभागों को बेच रही है, ठेका प्रथा लागू कर रही है, कौशल रोजगार के नाम के ऊपर बेरोजगारों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। जी जी हाँ जी, एक वो CET पेपर वाला मामला भी चला हुआ, आपने देखा हो तो? हाँ देखा है, वो भी कति बिल्कुल गलत है, हम उसका विरोध करते हैं जी। और बेटी महक का आपने मामला देखा होगा, उनको भी न्याय नहीं मिल पा रहा, कम से कम 20 दिन हो गए बैठे हुए। ये जो बेहुदे लोग हैं, रणमलंग हैं, इन्हें बेटियों के दर्द का पता ही नहीं है, सीधे को थोड़ी नहीं देखे देखे नहीं, बेटी का दर्द तो हमें होगा ना, गाय की बात करते हैं, इनका पुंजड़ भी कोई नहीं, गाय भी मारे पा जाएगी, और बेटियों का दर्द भी मारे दिल में, इनका दर्द नहीं है बिल्कुल भी मारा भी। जी जी चलिए सर, धन्यवाद सर। सर ये हमारे साथ मौजूद थे, अभी हम आपके साथ जुड़े हुए थे जो है गोहाना से, बस स्टैंड से, और अभी ये रोष प्रदर्शन यहाँ पर रोड पर करेंगे बच्चे, जो बॉन्ड पॉलिसी है उसके प्रति इनका जो ये पूरा शिक्षा के प्रति रहेगा। मैं अभी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि वीडियो सभी के पास पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा। नींद हमारी को